ये ग्राम अन्यामाली में मनोहर सिंह बापू के यहाँ पे ये गोइरिया आया हुआ था, तो इसको असली चंदन गोइरिया कहते हैं। ये चंदन गोइरिया और नागिन जगन छोड़ता 10 साल बीता वहां से, और इसको भोजन की तलाश थी कि भोजन मिलेगा, तो इसका भोजन ही मिलने को हुआ, तो इसने कुछ मामूली थोड़ा बहुत खाई रखी, एक छिपकली खाता है ये, यानी पशुमरा। अच्छा, दो तीन वशुमरा खाता जी आपको जन देने वशुमरा में जेर रे वर्ती बण में 10 गुणों जेर रे वर्तो। यो आदमी गाय भैंस किसी को काट ले तो ये समझ लो कि 10-11 मिनट की अवधि के अंदर खत्म कर देता है, क्योंकि जेर बहुत होता है और इसके ऊपर बिजली पड़ती है। मामा कश के वंश का है, इसके ऊपर बिजली गिरती है तो मेल का मेल दरअसल ही कर देता है। ये आदमी डांडोल में तो काटे को नहीं बढ़ती, पहले ही उन्होंने तो कर दे बिजली गिरने के बाद में। तो ऐसा कभी हो जाए तो तत्काल मेरे फोन लगाओ, बाकी उनसे क्या होगा कि रात मिलेगा। मैं मंत्रों या कुछ दवा पी लूँगा, वो निःशुल्क सेवा रहेगा, रात हो या दिन हो, जब भी काटे उसी टाइम पर फोन लगाओ, भले हो कुछ सिद्ध होगा तो मंत्रने में अच्छा रहेगा। और मेरा मंत्र चलता रहेगा, देवरा में ले जाओ या अस्पताल ले जाओ, देवरा में ले जाओगे तो मेरे पास में नारायण का मंत्र है, कोई दिक्कत को नहीं। देवरा में ले जाओगे तो नारायण का ही मंत्र है, जो उसके मंत्र से अच्छा ही करेगा नारायण। और अस्पताल ले जाओगे कोई गरीब व्यक्ति होगा तो 5-10 हज़ार की मदद करूँगा, वापस नहीं लूँगा उनसे, वो निःशुल्क सेवा रहेगी नारायण का। पकड़ूंगा वही पैसा लगेगा, 800-900 रुपया लगता है, कोई गुरु मान का और नारायण का धुआं चलता है, वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसी में लगते हैं धर्म का नाम का। ये सेवा है नारायण की, बहुत अच्छी है। तो गोइरिया 3 प्रकार का होता है, एक तो गोइरिया, एक गोबरिया गोइरिया और एक चंदन गोइरिया, ये 3 प्रकार की जाति होती है। तो एक गोइरिया होता है वो काटता काल में, गोबरिया गोइरिया काटता काल में, पर लेकिन ये चंदन गोइरिया डोरी में काटे और काटने के उपरांत आदमी को बचना असंभव रहता है, लेकिन नारायण ऐसा कभी नहीं करे गलती अपनी।